बेंगलुरु के रिसोर्ट में पहुंचे मध्य प्रदेश के मंत्री जीतू पटवारी ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने पटवारी और लाखन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। जीतू पटवारी और लाखन सिंह विधायक मनोज चौधरी के पिता को लेकर जबरिया रिसोर्ट में घुस गए थे। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ बदतमीजी की है। मध्य प्रदेश का सियासी ड्रामा बेंगलुरु में देखने को मिला, जहां कमलनाथ सरकार के मंत्री जीतू पटवारी, लाखन सिंह, कांग्रेस विधायक मनोज चौधरी के पिता नारायण चौधरी और लोकल कांग्रेस नेताओं के साथ पहुंचे और रिसोर्ट के वॉशरूम, लॉबी और कमरों में घुसकर अपने विधायकों को तलाशने लगे। रिसोर्ट प्रबंधन ने जब इस पर आपत्ति की तो पटवारी और उनके साथ पहुंचे लोगों ने इसे अनसुना कर दिया। इसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने भी इसे वहां ठहरे लोगों की प्राइवेसी में दखल बताया और जीतू पटवारी को ऐसा करने से रोक दिया, जिसके बाद जीतू पटवारी ने चिल्लाना शुरू कर दिया और रिसोर्ट में हंगामा करने लगे। जिसके बाद पुलिस ने जीतू पटवारी और उनके साथ आए लोगों को पकड़ा और पुलिस स्टेशन ले गए। पटवारी और कांग्रेस का आरोप है कि बेंगलुरु के इस रिसोर्ट में कांग्रेस विधायकों को भाजपा ने बंधक बनाकर रखा है। राज्य में हो रही है, ये अद्भुत है और मैं मानता हूँ कि आप लोगों राज्य का नाम लेगा, ध्यान देना चाहिए, देश को ध्यान देना चाहिए। उसके पिता को नहीं मिलने जा रहे, मनोज चौधरी के पिता है नारायण चौधरी। मैं मानता हूँ कि इस तरह की तानाशाही पुलिस की बर्दाश्त नहीं होगी मध्य प्रदेश में। इसके पहले ही बेंगलुरु पहुंचे कांग्रेस विधायकों को ऐसा होने की आशंका थी और उन्होंने अपनी सुरक्षा की मांग की थी। इन तमाम विधायकों ने डीजीपी को पत्र लिखकर कहा था कि बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में सुरक्षा को बढ़ाया जाए, साथ ही स्थानीय पुलिस उन्हें सुरक्षा और एस्कॉर्ट उपलब्ध कराए। पत्र में लिखा गया था कि हम सभी मध्य प्रदेश के विधायक और सांसदों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। हम यहाँ पर जरूरी काम से आए हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर सुरक्षा और एस्कॉर्ट स्थानीय पुलिस द्वारा मुहैया कराई जाए, ताकि हम बेंगलुरु में सुरक्षित रह सके। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।